दोस्तों अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ 2 करोड़ लोग हमारे देश में ट्रैवल कर रहे होंगे और उन 2 करोड़ में से 1 करोड़ क्या आपको पता है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ट्रेन में ट्रैवल किया ही होगा। एक चीज जो मुझे हमेशा सरप्राइज किया करती थी और आपने भी नोटिस किया होगा कि कैसे एक लाखों टन की ट्रेन पतली सी ट्रैक में दौड़े जा रही है और कोई भी व्हील पटरी से नहीं उतरती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिजाइन मॉडिफिकेशन ट्रेन के सफर को ना केवल सेफ बट इकोनॉमिकल भी बना देता है। दोस्तों मेरा नाम है धीरज और मैं सेंटम एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। सो विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हां सर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सर। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेन की जो व्हील्स होती हैं उसकी मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली बात कि ट्रेन की जो व्हील है पटरी पे बहुत स्टेबल तरीके से चलना चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि जब भी ट्रेन टर्न ले एक डिफरेंशियल इफेक्ट होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इफेक्ट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले हम फोकस करते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। ये जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों इसको पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर एक बॉल एक बाउल के अंदर है और स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया जाए उसको तो वो बॉल वापस अपनी जगह आने का ट्राई करेगी, लेकिन अगर उसी बॉल को उल्टा करके उसके ऊपर बॉल को रखा जाए और बॉल अगर हल्का सा डिस्टर्ब हो तो बॉल वापस नहीं आएगी, वो गिर जाएगी। पहले केस में दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि बॉल का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था जहाँ की वो वापस अपनी पोजिशन में जाने के लिए ट्राई कर रही थी। अब इसी चीज को दोस्तों हम ट्रेन की व्हील्स के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। अगर हम व्हील के सरफेस को फ्लैट रखते हैं और उसको एक ट्रैक के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस स्पेशली टर्न करते समय ये कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाता है और इफेक्टिवली ट्रेन का डिरेलमेंट हो सकता है। नाउ तो हम व्हील की सरफेस को फ्लैट ना रख के एक कोनिकल शेप में रखेंगे और दोनों व्हील्स को फिक्स कर देंगे एक एक्सल के ऊपर। तो अब देखिए क्या होता है, एक छोटी सी ट्रिक ने एक अमेजिंग सी स्टेबिलिटी ले आई है पूरे सिस्टम में। तो इसको दोस्तों समझने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा और आई एम श्योर आपने फोर्स डायग्राम बहुत सारे बनाए ही होंगे अपने हाई स्कूल डेज में। तो जब व्हील जो है पटरी पे चल रही होती है तो एक फोर्स लग रहा होता है जो कि व्हील और पटरी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सरफेस के। अब वो जो फोर्स है दोस्तों उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसका भाग होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक ऊपर की तरफ होगा। अब यहां पर दो व्हील्स हैं तो अगर ट्रेन स्ट्रेट चल रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है दोनों व्हील की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हल्का सा व्हील डिस्टर्ब हुआ और राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, इसकी वजह से होगा क्या कि एक अब इस सिचुएशन में आप हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे कि जीरो नहीं हो रहा है जबकि एक इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है और वो इंबैलेंस आपको चाहिए, वो इंबैलेंस व्हील को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ट्रेन राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रही है वो फोर्स उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खींचेगा, अगर व्हील लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करती है तो एक इंबैलेंस फोर्स क्रिएट होगा जो कि राइट हैंड साइड की तरफ उसको पुश करेगी। तो ये कुछ इसी तरह से है दोस्तों जैसे कि आपने देखा था बाउल में जब बॉल रखी रहती है आप उसको हल्का सा पुश करते हैं तो वापस आने की कोशिश करती है। तो इसी तरह दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक छोटी सी चीज किस तरह से ट्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हील्स के टर्निंग इफेक्ट के बारे में इन केस ऑफ ट्रेन। तो ये एक ऐसा इंजीनियरिंग मास्टरपीस है दोस्तों जो आपको हैरान कर देगा कि कैसे एक ऑटोमेटेड तरीके से डिफरेंशियल एक्शन हो जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशियल एक्शन होता क्या है, इसके लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी व्हीकल मान लीजिए कार अगर टर्न लेती है तो उस केस में एक व्हील को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू दी अदर व्हील, और अगर ऐसा स्ट्रक्चरली पॉसिबल नहीं है तो व्हीकल स्मूथली टर्न नहीं ले पाएगी और देयर इज अ हाई चांस कि व्हीकल स्किड कर जाए। डिफरेंशियल एक्शन यूजुअली कार के केस में कैसे होता है इसको हम डिटेल में फिर कभी समझेंगे। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि जब भी व्हीकल जैसे कि कार या ट्रेन भी जब टर्न लेती है तो एक व्हील को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू दी अदर व्हील। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सब ट्रेन के केस में ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसको विजुलाइज करने के लिए चलिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। एक मैंने कुछ कोनिकल शेप का व्हील लिया है। कोनिकल शेप में क्योंकि रेडियस ज्यादा होता है एक तरफ कंपेयर टू अदर, इसलिए एक फुल रोटेशन में एक साइड ऑटोमेटिकली ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है और इसलिए
ये एक टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे जो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब दोस्तों, ट्रेन जब टर्न करती है तो उस समय ट्रेन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। ये कुछ इसी तरह से है कि जैसे जब आप कार में बैठे होते हैं और कार टर्न लेती है तो आप बाहर की तरफ एक पुश महसूस करते हैं, उसी तरह से जब ट्रेन टर्न लेती है तो ट्रेन भी बाहर की तरफ एक पुश महसूस करती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोस्तों ट्रेन टर्न लेते समय हल्का सा बाहर की तरफ स्लिप करती है, और यहाँ पर दोस्तों फ्लैंज एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए लगाया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा स्लिपिंग ना हो, जिसकी वजह से ट्रेन डिरेल हो सकती है। तो अब क्योंकि सरफेस प्रोफाइल कोनिकल है तो हल्का सा जो ये स्लिपिंग हुई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, एक तरफ टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है और दूसरी तरफ टर्निंग रेडियस कम हो जाता है। तो जब ट्रेन टर्न ले रही होती है तो ऑटोमेटिकली एक साइड ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है और एक व्हील कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ पर स्मूथली ट्रेन टर्न ले पा रही होती है। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटा सा डिजाइन मॉडिफिकेशन जहां पर हमने व्हील की सरफेस को कोनिकल कर दिया है, ना केवल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बल्कि ऑटोमेटिकली टर्निंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस नहीं तो और क्या है।